Hello, welcome back to Marine Work 28. Today we are going to talk about the chapter number 5, pumps. Chapter number 4 तक हमने कंप्लीट किया था, अभी यहाँ पे आगे का डिस्कस करेंगे. ओरल के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो चैप्टर नंबर 5 ये है पंप्स है. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल यू डू इफ यू सी पंप ग्लैंड इज लीकिंग. आप क्या करेंगे अगर आपने देखा कि पंप की जो ग्लैंड पैकिंग है वो लीक कर रही है, क्या करेंगे. इन्फॉर्म टू द ड्यूटी इंजीनियर, सबसे पहले ड्यूटी इंजीनियर को बताएंगे. देन टाइटन द बोथ नट्स ऑफ द ग्लैंड इक्वली साइमल्टेनियसली, सी द पंप ग्लैंड इज नॉट गेटिंग हॉट. फिर उसके बाद में पंप के दोनों नट को, ग्लैंड नट को टाइट करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि पंप के ग्लैंड नट जो है वो, ग्लैंड जो है वो हॉट ना हो. इफ लीकेज इज नॉट स्टॉप, अगर लीकेज बंद नहीं हुआ तो फिर पंप की ग्लैंड पैकिंग को रिन्यू कर देंगे. ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वॉट टू डू इफ द पाइप इन द डिस्चार्ज साइड लाइन इज स्टार्ट लीकिंग. क्या करेंगे अगर डिस्चार्ज साइड का जो पाइप है वो लीकिंग करना शुरू कर दिया है. तो स्टार्ट स्टैंड बाई पंप, सबसे पहले अगर किसी पंप में या मशीन में कोई खराबी आती है तो हम पहले स्टैंड बाई जो पंप होती है उसको हम स्टार्ट करते हैं. फिर जो करंट में रनिंग पंप होती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको स्टॉप करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नेम टू पंप्स दैट आर नॉन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप. को पता है दो तरह के पंप्स होते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है मैंने टाइप्स ऑफ पंप का, पॉजिटिव एंड नॉन पॉजिटिव. यहाँ पे दो तरह के पंप के नाम पूछे हुए हैं रेसिप्रोकेटिंग में, कौन सी दो तरह के पंप होते हैं. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के जो नाम है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप, सॉरी डिस्प्लेस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड गियर पंप एंड स्क्रू पंप. नॉन पॉजिटिव होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप. नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉन पॉजिटिव पूछी है तो उसका आंसर होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच टाइप ऑफ पंप कैन वी स्टार्ट इफ द डिस्चार्ज वॉल्व इज क्लोज्ड. कौन सी पंप है जिसका डिस्चार्ज वॉल्व बंद होगा फिर भी वो हम स्टार्ट कर सकते हैं. आंसर है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप. ये ऑनलाइन में भी पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाई पंपिंग सिस्टम एंड टू पंपिंग सिस्टम यू नो. पंपिंग सिस्टम क्या होता है. इट इज ए सिस्टम ऑफ पाइपलाइन वॉल्स एंड पंप्स फॉर द पंपिंग वेरियस फ्लूइड्स सच एज सी वाटर फ्यूल लुब्रिकेटिंग एटसेट्रा. ओके, पंपिंग सिस्टम मतलब किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हमें जिन जिन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है उन सबको एक सिस्टम में अरेंज करके हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं. तो वॉल्स यूज होते हैं उसमें, पंप्स यूज होती हैं और ये सब का, और पाइपलाइन यूज होती है. तो ये पाइपलाइन, वॉल्स और पंप, इनको मिला के जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं पंपिंग सिस्टम. और दो तरह के यहाँ पर पंपिंग सिस्टम, फ्यूल ऑयल सिस्टम और लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, व्हाट चेक्स यू विल कैरी आउट बिफोर स्टार्टिंग द पंप. पंप को स्टार्ट करने से पहले आप क्या क्या चेक करेंगे. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेक्स का है, इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग द पंप लॉक द स्टार्ट बटन लोकली. सबसे पहले लोकल बटन को स्विच ऑफ करेंगे. देन टर्न द पंप बाई हैंड, हाथ से पंप को रोटेट करके देखेंगे वो फ्रीली घूम रही है कि नहीं घूम रही है. चेक बोथ सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व्स आर ओपन. उसके बाद में सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व दोनों ओपन है कि नहीं है ये चेक करेंगे. What will you check when pump is running? जब पंप रनिंग कंडीशन में उस टाइम पे आप क्या चेक करेंगे. तो सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर चेक करेंगे, मोटर एम्पियर चेक करेंगे, एनी अबनॉर्मल साउंड एंड वाइब्रेशन चेक करेंगे, पंप का बेरिंग हॉट तो नहीं है कहीं वो चेक करेंगे, ग्लैंड चेक करेंगे प्रॉपरली कूल हो रही है कि नहीं हो रही है. इसमें जो ये वाला पॉइंट है अबनॉर्मल साउंड वाइब्रेशन लीकेज, ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वाई अ कपलिंग गार्ड इज फिटेड ऑन पंप. पंप के ऊपर कपलिंग गार्ड क्यों लगा होता है. कपलिंग गार्ड क्यों लगा होता है, क्योंकि कपलिंग होती है जो इम्पलर और मोटर शाफ्ट को कनेक्ट रखती है कपलिंग. तो कपलिंग गार्ड अगर नहीं होगा और कोई नट बोल्ट ब्रेक कर गया तो ह्यूमन इंजरी हो सकती है. तो ह्यूमन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कपलिंग गार्ड लगा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड वैक्यूम. प्रेशर और वैक्यूम में क्या डिफरेंस होता है. प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और वैक्यूम होता है वो ब्लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. What are the different types of the pump used on board the ship? Types of the pump, यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप. यहाँ पर मैंने चार ही टाइप के बताए आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप में है नहीं है, तो आप ये चार मिनिमम सर्वेयर्स को बता दीजिए, उसमें आप पास हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ पंप यूज इन द बिल सिस्टम एंड बलाज सिस्टम. रेसिप्रोकेटिंग पंप हम यूज करते हैं बिल सिस्टम में और सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं हम बलाज सिस्टम में. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द यूज ऑफ गियर एंड स्क्रू पंप. स्क्रू पंप और गियर पंप का यूज क्या होता है. दोनों ही पंप का यूज हम ऑयल सिस्टम में करते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल्टर एंड प्यूरीफायर पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.